जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आपने एक डायलॉग सुनी होगी, चच्चा हमारे विधायक है। ये डायलॉग जो है ये बॉलीवुड फिल्मों में तो आपने सुना ही होगा, चच्चा हमारे विधायक है, हमें किसी का डर नहीं लगता है। ये डायलॉग असल जिंदगी में सच होते दिख रहा है। दरअसल चच्चा नहीं बल्कि पिताजी विधायक हैं, तो बेटे को डर काहे का। मामला बेगूसराय का है, जहां बारात में एक बेटा पहुंचता है जिनके पिता श्री जो है वो विधायक है, और घोड़े पर सवार होकर ये बेटा राइफल ताने राइफल चलाते दिख रहा है। अब जब वीडियो वायरल हो गई है तो एसपी ने जांच का आदेश दे दिया है, और अब इन पूर्व विधायक के जो बेटे हैं वो भागे फिर रहे हैं, पुलिस से खुद को बचाते फिर रहे हैं। बेगूसराय में हार्श फायरिंग का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला बखरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक शादी समारोह में युवक घोड़ा पर बैठकर लगातार फायरिंग कर रहा है। युवक गढ़पुरा पंचायत के रजौर पंचायत का पंचायत समिति सदस्य सह पूर्व विधायक रामानंद राम का पुत्र राहुल कुमार है। फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बता दें कि सरकार ने निर्देश एवं जिला प्रशासन के तमाम बंदिशों के बावजूद भी जिले में हार्श फायरिंग की घटनाएं रुक नहीं रही है, जबकि जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किया है कि किसी भी समारोह या उत्सव के दौरान हार्श फायरिंग की घटना सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बकरी थाना क्षेत्र में एक शादी थी, जहां बारात दरवाजा लगने के लिए जा रही थी। इसी बीच नाचते गाते बाराती के बीच घोड़े पर बैठकर एक व्यक्ति लगातार बंदूक से फायरिंग कर रहा है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। एसपी का कहना है कि आरोपी की पहचान की जा रही है, जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर हथियार अवैध हुए तो भी जेल जाना तय है, साथ ही लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की जा रही है तो हथियार के लाइसेंस भी रद्द होंगे। मिली जानकारी के अनुसार युवक ने फायरिंग करने का वीडियो अपने फोन से बनवाया और इसे अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाया था, ताकि क्षेत्र में हनक और रुतबा कायम रह सके। तो देखिए, स्टेटस सिंबल दिखाने के चक्कर में अपने आस पड़ोस, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के सामने अपना हनक और रुतबा दिखाने के चक्कर में अब ये बेटे राम फंसते दिख रहे हैं। पूर्व विधायक के बेटे बारात में पहुंचते हैं, घोड़े पर बैठकर हार्श फायरिंग करते हैं। अब पुलिस का कहना है कि अगर वो राइफल लाइसेंसी हुई तो उस राइफल की तो पहले लाइसेंस जब्त की जाएगी, रद्द की जाएगी, तो भी उनको जेल जाना पड़ेगा। और अगर लाइसेंसी नहीं रही, अगर अवैध वो राइफल रही, तो भी हार्श फायरिंग के इल्ज़ाम में वो जेल जाएंगे। तो देखिए, दोनों रूप से जेल जाएंगे। भले ही बाप पूर्व विधायक क्यों ना हो, लेकिन अगर रूल तोड़ेंगे, अगर नियम तोड़ेंगे, तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। इस कारण बस इतना ही, और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।